चैनल। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डीसीएस सिस्टम आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आप कब कहां और कैसे चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ जानेंगे कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का प्रीमियम क्या चल रहा है। अभी चलिए इसके आईपीओ के डिटेल्स की अगर हम बात करें तो आईपीओ टोटल है 500 करोड़ का, जिसमें कि इशू ओपन हुआ था आपको 31 अक्टूबर को, इशू क्लोज हो गया 2 नवंबर को फ्रेंड्स। और अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 7 नवंबर इसका अलॉटमेंट डेट है। आज है 6 नवंबर, 7 नवंबर कल यानी कि आपको अलॉटमेंट का स्टेटस पता चल जाएगा अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया है फ्रेंड्स। और अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात कर ली जाए तो ग्रे मार्केट में थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम 82 रुपीज़ पहुँच गया है 75 से बढ़कर। तो अभी यहाँ पे आपको 39-40% लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है, जो कि आने वाले समय में बढ़ सकता है। और यहाँ पे आपको 50-60% का लिस्टिंग गेन लिस्टिंग डे के दिन देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स। और मार्केट और अच्छी रही तो और भी अच्छा लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टोटल यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात कर लें तो ये टोटल सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ 69.79 टाइम्स, जो कि अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन माना जाएगा। इससे पहले जो अच्छे आईपीओ सब्सक्राइब हुए थे उसमें हर्षा इंजीनियरिंग था जो कि 74% और इलेक्ट्रॉनिक मार्ट 71% था, जो कि अच्छा खासा लिस्टिंग गेन आपको देखने को उसमें मिला था। 7 से 8 हज़ार से लिस्टिंग गेन आपको वहाँ पे देखने को मिला था फ्रेंड्स। तो इस आईपीओ में भी आपको मान के चल सकते हैं कि 50-60% का मिनिमम लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। अगर मार्केट अच्छी रही तो और अच्छा लिस्टिंग गेन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। आईपीओ के प्राइस बैंड की अगर बात करें तो आईपीओ 207 रुपये के प्राइस बैंड पर लिस्ट हो सकता है। अभी यहाँ पर हम आईपीओ की रिफ़ंड की अगर बात करें, अगर आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो रिफ़ंड जो है 9 नवंबर को आ जाएगा। और क्रेडिट ऑफ शेयर यहां पे 10 नवंबर को शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और यहां पे जो है 11 नवंबर को जो है इस आईपीओ की लिस्टिंग है फ्रेंड्स। तो 11 नवंबर को ये आईपीओ का लिस्टिंग हो जाएगा। अभी हम चलिए आपको बता देते हैं कि कैसे आप अलॉटमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे लिस्टिंग है 39% देखने को आपको मिल रहा है, तो 11 नवंबर को लिस्टिंग हो जाएगी इसकी। तो अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाता है तो कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताएं। अभी आईपीओ का अलॉटमेंट आप कैसे चेक करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 2 तरीके हैं आईपीओ का अलॉटमेंट चेक करने के। एक तो है बीएससी इंडिया की वेबसाइट जहाँ से आप जाके अलॉटमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। दूसरा इनके रजिस्ट्रार की वेबसाइट है जो कि लिंक्डइन टाइम है। तो चलिए स्टेप बाय वन बाय वन मैं दोनों पे जाके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको स्टेटस चेक करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली वहाँ पे लिंक पे जाके वहाँ से स्टेटस चेक कर लीजिएगा। अभी सबसे पहले हम बीएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम बीएससी इंडिया की वेबसाइट है ये, देखिए अभी हम बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर आ गए फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्विटी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इशू नेम में आपको आईपीओ का नाम सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देख लीजिए डीसीएस सिस्टम लिमिटेड यहाँ पे शो कर रहा है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर अवेलेबल है तो एप्लीकेशन नंबर डालिए, अदरवाइज़ आप अपना यहाँ पे पैन नंबर डाल के भी चेक कर सकते हैं। सीधे अपना पैन नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करिए और यहाँ सर्च पे क्लिक कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे अलॉटमेंट का स्टेटस शो कर जाएगा कि आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिला, कितने लॉट्स का अलॉटमेंट मिला, क्या मिला, आपके पैन नंबर के और नाम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। और आपके मेल पे भी फ्रेंड्स आपको वो एक दिन बाद मेल पे आता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से चेक कर सकते हैं आईपीओ का अलॉटमेंट का स्टेटस। एक दिन क्या मतलब, आपको आज जैसे आईपीओ का अलॉटमेंट है तो थोड़ा देर में आता है, बट यहाँ से डायरेक्टली आप देख सकते हो। अभी चलिए हम लिंक्डइन टाइम जो इनके रजिस्ट्रार की वेबसाइट है वहाँ पे चल के हम आईपीओ का स्टेटस देख लेते हैं। तो यहाँ से हम अभी लिंक्डइन की वेबसाइट पे जाएंगे। तो देखिए लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट ओपन हो गई है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है हमें, तो यहाँ पे इशू नेम सेलेक्ट कर लेंगे जो कि हमारा क्या है डीसीएक्स सिस्टम, जो कि अभी तक यहाँ पर शो नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। शो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आज है 6 नवंबर और कल अलॉटमेंट डेट है फ्रेंड्स। तो आज नाइट में 7 तारीख को या फिर कल सुबह तक यहाँ पे डाटा जब भी अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे लिंक्डइन टाइम की साइट पे यहाँ पे डीसीएस सिस्टम दिखने लगेगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे डाटा अपलोडेड नहीं है इसलिए डीसीएस सिस्टम जो है यहाँ पे शो नहीं हो रहा है फ्रेंड्स।
तरीका बस जान लीजिए, बाकी आप खुद से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इशू नेम में डिस्क सिस्टम सेलेक्ट कर लेना है, पैन नंबर, यहाँ पे अगर आपके पास पैन नंबर डाल के चेक करना चाहते हैं तो पैन नंबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल के भी चेक कर सकते हैं। डीपी क्लाइंट की, आपके जो डीमेट अकाउंट की डीपी क्लाइंट आईडी है वो भी यहाँ पे डाल के आप जो है उसके थ्रू भी सबमिट पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और वो भी अगर आपके पास नहीं है अकाउंट नंबर है तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड भी इंटर सबमिट करके आप यहाँ से आप IPO का अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स